गुड मॉर्निंग क्लास एट। आज लास्ट वीक आप लोगों को लेसन एक लेसन नहीं बल्कि एक पोएम पढ़ाया गया था इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। तो जैसा कि हम लोग पढ़े एज वी रीड यस्टरडे इन आवर लास्ट वीडियो, जो हैदराबाद का बाजार है उसको पूरी तरह से डिफाइन किया गया है बाय सरोजिनी नायडू। इसके जो पोइटेस हैं वो हैं सरोजिनी नायडू, ठीक है। और वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि नेक्स्ट जब भी हम आएंगे आप लोगों के सामने आप लोगों को इसका एक्सट्रैक्ट जो है उसको बेस जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम डिटेल में करवा देंगे। तो इसमें खासकर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्टिव्स तो है नहीं, बट इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं शॉर्ट, जैसे गडलेस, सितार, एज्योर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी में आप लोगों का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोग को आज क्लियर करवा दे रहे हैं। तो नंबर वन में है, व्हाट डू यू कॉल ओए पेडलर्स। पेडलर्स मतलब जो फेरी वाले होते हैं जो घूम घूम कर सामान को बेचते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू कॉल ओ पेडलर्स, यहाँ पर पेडलर्स के ऊपर जो ये सेंटेंस बना है इस पर कुछ क्वेश्चन है और वो है व्हाट डस कॉल मीन हियर। कॉल का मतलब यहाँ पे क्या दर्शाया गया है। हमारे ऑप्शन में दिया है टॉक, शाउट, नेम और डिस्क्राइब। वो जो बेचने वाले फेरी वाले होते हैं चीजों को क्या करते हैं, टॉक बातें करके बेचते हैं, शाउट करके बेचते हैं, नेम उसकी नाम को बुलाते हैं या डिस्क्राइब। इसमें से हम दो ऑप्शन को चुने हैं। नंबर वन है आपका कॉल मीन्स हियर टू शाउट एंड नेम। एक तो वो चिल्ला चिल्ला कर बेचते हैं, ऊपर से उन सारे सामान का नाम भी बोलकर बेचते हैं ताकि जो लोग हैं उनके तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर सके, उनका फोकस उनके तरफ जा सके कि अच्छा ये चीजें बेची जा रही हैं, लोग उनके तरफ जाएंगे। नंबर बी है क्वेश्चन आपका, व्हाई डू द पेडलर्स हैव टू कॉल। दुकानदार जो बैठकर दुकान में सामान बेचते हैं वो लोग चिल्ला चिल्ला कर अपना सामान नहीं बेचते हैं, उनका एक फिक्स जगह है, लोगों को पता है कि ये दुकान है, ये मॉल है, ये मार्केट है, उनको वहां चले जाना है। बट जो पेडलर्स होते हैं उनको चिल्ला चिल्ला कर अपनी चीजों का नाम ले लेकर बेचना पड़ता है। आखिर क्यों? बिकॉज पेडलर्स हैव टू कॉल दैट कॉल, इसलिए उनको चिल्लाना पड़ता है, चीजों के लिए बुलाना पड़ता है लोगों को। देखते हो ना, बाजार में आइए, ये सामान ले लीजिए, आइए, इतने में है, दाम, कीमत, सामान का नाम सब कुछ बुलाते हैं, टू अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स देम, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, लोग उनके तरफ अपना दिमाग लगाएंगे, उनके आवाज को सुनेंगे। तो बिकॉज दे सेल देयर थिंग्स टू मूव हियर एंड देयर इन द बाजार, क्योंकि वो जो अपना सामान है ना किसी ठेले पर रखकर या फिर कहीं पर स्टैंड लगाकर स्टॉल लगाकर बेचते हैं और उनको लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए बुलाने के लिए चीज़ों का नाम ले लेकर आवाज़ देना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, और कुछ लोग जो है मूव करके भी बाजार में इधर उधर बेचते हैं। तो फेरी वाले का काम ही है कि वो मूविंग, मतलब एक तरह का मूविंग शॉप होता है, वो कहीं भी घूम कर गली में, मोहल्ले में, बाजार में अपनी चीज़ों को बेचता है। नंबर सी है, व्हाट डू दिस सेल, बेचते क्या है पेडलर्स, क्या क्या बेचते हैं, ठीक है। तो जैसा हमारे ये पोयम में कहा गया है कि यहाँ पे जो पेडलर्स हैं दे सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल थिंग्स। बड़ी बड़ी चीज़ों को तो नहीं ये लेकर ठेले पे घूम के बेच सकते हैं, छोटे छोटे सामान बेचते हैं ये, जो आइवरी मेड होता है, कुछ मिट्टी के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, एंड ETC बहुत सारे वगैरह वगैरह चीज़ें जो हैं वो कॉस्मेटिक्स बेचते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद ही देखते भी होंगे कि जो घूम घूम कर पेडलर्स हैं, कपड़े भी कुछ लोग बेचते हैं, जैसा जैसा सीज़न आएगा उस सीज़न के अकॉर्डिंग उनको जो भी सामान अवेलेबल होता है घूम कर बेचने लायक वो सेल करते हैं। सो यहाँ पर इसका बिकॉज का आंसर आपका दिया हुआ है कि थिंग्स मेड विथ आइवरी, खास करके इस लेसन में तो आइवरी मेड थिंग्स बना हुआ है जो महंगे भी होते हैं। तो नंबर टू एक्सट्रैक्ट में हम लोग आएंगे, पूछ रहा है क्या कि द बेल्स फॉर द फीट ऑफ द ब्लू पिजन्स फ्रेल एज अ ड्रैगन्स फ्लाई। यहाँ पर कह रहा है कि बेल्स ऑफ द फीट, बेल्स फॉर द फीट यानी कि पैरों के लिए जो बेल्स घंटियां घुंघरू जो बनते हैं घुंघरू, ठीक है ना, ब्लू पिजन्स के लिए, उनका जो डिजाइन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का वो ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई हम आप लोगों को समझाए थे ना कि जो दो पंखों वाली एक तितली होती है ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, उसके पंखों के आकार के बनते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछ रहा हु मेक्स द बेल्स। अब अकॉर्डिंग टू आवर पोएम हु मेक्स द बेल्स, ऐसे घंटियों को कौन बनाता है, तो गोल्डस्मिथ मेक्स द बेल,
गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, जो सोने के चीजों को तैयार करता है। तो यहाँ पे सुनार जो है ना वो बेल्स को बनाता है। नंबर बी, फॉर हुम डू दे मेक द बेल्स, किसके लिए आखिर ये जो बेल्स बनते हैं वो किसके लिए बनते हैं। तो एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो है हमारा कि दे मेक द बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पीजेंट्स, ब्लू पीजेंट्स के फीट के लिए इस बेल्स को बनाए जाते हैं। नंबर सी है, व्हाई आर द बेल्स कंपेयर टू अ ड्रैगन फ्लाइज विंग्स, यहाँ पर बेल्स को ड्रैगन फ्लाई के पंखों से क्यों कंपेयर किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज द बेल्स आर कंपेयर टू अ ड्रैगन फ्लाइज विंग्स बिकॉज इट लुक्स लाइक सेम एज द विंग्स ऑफ फ्लाई, क्योंकि वो फ्लाई के पंखों के ही आकार जैसा दिखने में समान लगता है, इसलिए इसे कंपेयर किया गया है ड्रैगन फ्लाई के पंखों से, ताकि जो घंटी जो बनती है, जो बेल्स होते हैं, वो लगते हैं ऐसे कि ड्रैगन फ्लाई के विंग हैं। तो इस तरह से आपका वन और टू एक्सट्रैक्ट हो गया। नंबर थ्री पूछ रहा है, क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ए ब्राइट ग्रूम, क्राउन्स मतलब होता है मुकुट, ठीक है, जो भी हम फॉरहेड में या फॉरहेड से ऊपर अपने फॉरहेड पर जो भी हम पहनते हैं, जो भी ब्राइड ग्रूम जो होती हैं, दुल्हन होती हैं, ठीक है, जो नवविवाहित लड़कियां होती हैं या फिर जिनका विवाह होने जा रहा है, जस्ट गेट मैरिड, दे ऑलवेज पुट द क्राउन्स। सो क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ए ब्राइड ग्रूम, दुल्हन जो होती हैं उनके ब्रो के लिए यानी आईब्रो के ऊपर पहने जाने वाला, मतलब फॉरहेड पर पहने जाने वाला क्राउन्स बनता है। हु मेक्स दीज क्राउन्स, कौन बनाती हैं इस क्राउन्स को। यस, तो थर्ड नंबर एक्सट्रैक्ट है, क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ब्राइड ग्रूम, क्राउन्स जो बनाए जा रहे हैं, जो मुकुट वगैरह जो बनाए रहे हैं सर पे पहनने का, क्या फॉरहेड पर जो दुल्हने डालती हैं ब्राइड ग्रूम्स, तो हु मेक्स दिस क्राउन्स, क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है ये जो क्राउन्स है वो कौन बनाती हैं। तो हमारे पोएम में दिया गया है कि फ्लावर गर्ल मेक्स दिस क्राउन्स, इस क्राउन्स को, ये जितनी भी क्राउन्स होते हैं ना, यहाँ पे आप दीज लगाओगे, ठीक है, दीज क्राउन्स, तो फ्लावर गर्ल जो फूल बेचने वाली लड़कियां होती हैं, चाहे जो औरतें होती हैं, वही फिर सुई डोरे में डाल डालकर उसको क्राउन्स बनाती हैं, ब्रेसलेट वगैरह सब कुछ, इससे ऑर्नामेंट्स जितने भी होते हैं ना फ्लावर के, वो लोग बैठ कर वहाँ गूंथ गूंथ कर बनाती हैं। तो फ्लावर गर्ल यहाँ पर होगा। नंबर बी है, व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये जो क्राउन्स या फिर जो भी ज्वेलरीज जो फ्लावर्स से बन रहे हैं उसको किस चीज़ों से वो लोग बनाती हैं। ऑब्वियसली कि फ्लावर से बनता है, सो दे आर मेड ऑफ ब्लू एंड रेड कलर्ड फ्लावर्स, तो यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो रेड और ब्लू कलर के फ्लावर्स को मिक्स करके और इस तरह के क्राउन्स को तैयार कर रही हैं। नंबर सी पूछा जा रहा है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द क्राउन ऑफ अ किंग और क्वीन, यहाँ पर क्वेश्चन में है ये जो क्राउन्स बन रहे हैं, यहाँ पे तो फ्लावर के बन रहे हैं, और ये डिफरेंट किस तरह से हैं, किंग और क्वीन के जो क्राउन्स बनते हैं उससे ये फ्लावर क्राउन्स कैसे डिफरेंट हैं। तो हम यहाँ पर एक रीजन बताए हैं आप लोगों को कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द क्राउन ऑफ अ किंग और क्वीन बिकॉज इट इज़ मेड विथ फ्लावर, क्योंकि यहाँ पर जो क्राउन्स बन रहे हैं ब्राइड ग्रूम के लिए बन रहे हैं और वो फ्लावर के से बन रहे हैं, बट द क्राउन ऑफ किंग और क्वीन आर मेड विथ गोल्ड और सिल्वर, लेकिन जो राजा और राजा रानी होते हैं, जो सिंहासन संभालते हैं, महाराज होते हैं, महारानियाँ होती हैं, उनके लिए जो क्राउन्स बनाए जाते हैं, उनको जो राज्याभिषेक मिलता है, एक पदवी दी जाती है, तो उस समय उनको या तो गोल्ड या सिल्वर, डायमंड, इन सब से जड़े हुए जितने भी क्राउन्स बनते हैं उनको सर का ताज पहनाया जाता है। तो इस तरह से दो तरह से डिफरेंसेस होगा, ठीक है, एक तो वो ये ब्राइड ग्रूम के लिए है और दूसरा ये फ्लावर मेड है। और किंग और क्वीन के लिए तो आप जानते ही हो कि जितने भी कॉस्टली, जितने भी मतलब एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, जेम्स होते हैं, उन सब चीज़ों से जड़ कर उनके लिए ताज बनाया जाता है, जिसको हम क्राउन्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्लास 8 इस तरह से आप लोगों का ये लेसन 7 हुआ है और पोयम है, बट हम इसको लेसन 7 में डाले हैं ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो, इसलिए हम आप लोगों को हेडिंग लिखवाते हैं, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद इसलिए लिखवाए हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा लेसन है। नेक्स्ट अब हम लोग यूनिट
इसको आप लोग कर लोगे होमवर्क, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग कोशिश करेंगे कि द बून ऑफ वर्ड्स सेक्शन 1 है और बिटवीन द लाइंस हमारा नेक्स्ट यूनिट 4 अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और एक और चीज़ आप लोगों को हम याद दिला दें कि ये जो आज आप लोगों को पढ़ाया गया है, आई मीन कंप्लीट करवा ही दिए ये पोयम आप लोगों को, और इसमें कुछ वर्ड मीनिंग जो है गर्डलेस, सितार, एओन्स टू कम, एज्यूर, चैपलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वर्ड मीनिंग के लिए खासकर, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। और आंसर्स इसमें शॉर्ट्स हैं काफ़ी, आप लोगों के स्ट्रैक इसलिए करवा दिया गया है ताकि क्वेश्चन हम आप लोगों को आने वाले नेक्स्ट टेस्ट या एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको फेयर कर लो, और बस आज के लिए इतना ही है, घर में पढ़ो। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होगे घर पर, तो आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, अदरवाइज़ अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत बर्डन हो जाएगा ये फुल लेसन। सो ओके, थैंक यू।